ईमान से आज तो तुम्हारे बाप की तैयारी देखने वाले। अरे भाई कुछ पता भी चला? कुकी पहुंची नहीं पहुंची? आए आए, एक तो आपकी बेचैनी मुझे मार डालेगी। आ जाएगी और कौन सा पहली दफा आ रही है। कितनी बार पूछेंगे, उसके पास बैलेंस होगा, जैसे लैंड करेगी फोन कर देगी। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है होगा, लेकिन यार तू फोन करना। देखें जरा अब्बा की बेचैनी को, ऐसा लगता है कि वो इनकी इकलौती औलाद है। हाँ औलाद इकलौती तो नहीं है, लेकिन दूर तो है ना, परदेश में। वैसे भी परदेश में औलादे होती हैं तो माँ बाप को ज्यादा फिक्र होती है। क्यों भाई? अरे अम्मा इसमें फिक्र की क्या बात है, भले परदेश में है लेकिन अपने घर में खुश तो है ना, ये काफी है। क्यों अब्बा? हाँ वो काफी है, लेकिन बेटी बेटी होती है। माशाल्लाह अल्लाह मेरी बेटियों को आबाद रखे। वैसे कुकी में जितनी सिफतें हैं ना तुम लोगों को नहीं पता, तभी तो उसके ससुराल वाले जान देते हैं उस पर। बहुत सिफतें हैं आपकी कुकी में, कोई डाउट नहीं इसमें। बस एक दफा कुकी आ जाए फिर ढोलकियों का सिलसिला शुरू होगा। फिरोजा ने तो साफ कह दिया है जब तक खाला नहीं आएगी नो ढोलकी। रौनक भी तो लगी होती है ना उसकी वजह से। माशाल्लाह से मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या है, किधर है तुम्हारा मियां? वो मुझे छोड़ के गए, वो आएंगे बाद में। आप कैसी हैं भाभी? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? कहाँ है कुकी, अभी तक आई क्यों नहीं? बस आने वाली होगी। मैं कहता हूँ फौरन आ। हैदर यार तू फोन कर। अब्बा शाहीन को वहीं पर हैं, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, पता चल जाएगा। करो। जी जी कर रहा हूँ, जी कर रहा हूँ। क्या पता पहुँच गई होगी। नहीं अब्बा की बेचैनी देख लो जरा। मुझे तो चाय भी नहीं पी जा रही, मैं कहता हूँ आ जाए।